तो दोस्तों मेरे पास एक ऐसी कॉटन पड़ी है जिसके अंदर ना हल्का सा ना कांच मिक्स तो अच्छे अच्छा से है। बॉक्स के अंदर इसको हम डाल देंगे, और इस कॉटन को कभी भी नंगे हाथों से आपने नहीं यूज़ करना है, इसको भी आपने ग्लव्स पहन हेलो कर यूज़ गाइस, करना है। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ अपनी कार का साउंड, बेस ट्यूब का साउंड कैसे बढ़ा सकते हो, मतलब अच्छा कैसे कर सकते हो साउंड को। पेटी जो लगा रखी होती है उसमें जो स्पीकर लगा होता है बूफर, उसका साउंड कैसे अच्छा कर सकते हो। तो ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो कार में म्यूजिक सुनना बहुत पसंद करते हैं। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट, इस वीडियो को एंड तक देखना, तभी पता लगेगा मैंने कैसे अपनी कार का साउंड और अच्छा कर लिया है। चलो करते हैं स्टार्ट वीडियो। और इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि आप अपनी कार का जो एम्प होता है, बेस ट्यूब होती है, एम्प होता है, पेटी होती है, उस एम्प को आप पेटी के पीछे भी लगा सकते हो। तो पेटी के पीछे मैं अपने एम्प लगाने वाला हूँ, क्योंकि कार में एम्प ना सीट के नीचे लगा देते हैं या फिर पीछे ऐसे रख देते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता, तो इसको पेटी पे हेलो लगाओ। गाइस, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपनी कार का स्पीकर। और ये स्पीकर ऐसा है इसकी आवाज़ बहुत अच्छी आती है, पर मैं इसको और अच्छा करना चाहता हूँ। उसके लिए हमें क्या करना है, ये फोम, इस स्पीकर को इस पेटी से बाहर निकालेंगे और इस फोम को इस पेटी के अंदर पूरा पेस्ट कर देंगे, और इसके अंदर भरेंगे हम कॉटन, बहुत सारा कॉटन भरेंगे। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये टेडी बियर है, इसके अंदर आपको एक कॉटन दिख रही है ना, ये वाली कॉटन इसके अंदर पूरा भर देंगे। मेरे पास और भी पड़ी है, उसको भी इसके अंदर फील कर देंगे, और उससे जो इसकी आवाज़ है वो और अच्छी हो जाएगी, आवाज़ की क्वालिटी जो है और बेस्ट हो जाएगी। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट, वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और करना गाइस और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। चलो करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, पहले इसके अंदर जो है ना स्क्रू लगे हुए हैं, ये स्क्रू हम खोलेंगे। तो गाइस बस खुलने वाला है हमारा जो स्पीकर है, तो इसको अब हम बाहर निकालते हैं। बहुत हैवी क्वालिटी है भाई ये। तो दोस्तों इसके अंदर की जो मैग्नेट है वो मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो, तो काफ़ी हैवी क्वालिटी का है, बहुत अच्छा साउंड है इसका। और अच्छा साउंड करने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना, तभी पता लगेगा कैसा आवाज़ आती है इसकी। और अब हम इसके अंदर चारों साइड में ये फॉर्म जो है पेस्ट करेंगे। पूरा पेस्ट करने के बाद इसमें हम कॉटन डालेंगे अंदर। तो दोस्तों अब इस फॉर्म को हम इसके बराबर जो है कटिंग कर लेंगे, ताकि ये अंदर इसके आराम से लग जाए। तो अब हम इस पर पूरे पर जो है फेविकॉल लगा रहे हैं, ताकि ये नीचे अंदर बॉक्स में पूरे अच्छे से चिपक जाए, इधर उधर आवाज़ से या इसकी जो एयर आती है उससे निकले ना, पूरे में फेविकॉल लगा देंगे हम। तो बच्चे हमारे साथ लगे हुए हैं, लगा रहे हैं बैटरी और लाठी। तो दोस्तों ये फॉर्म हमने इसके अंदर पूरी पेस्ट कर दी है, और इधर से लेफ्ट राइट से रह गई है, वो भी हम इसको करने वाले हैं। थोड़ी सी फेविकोल डालो इसमें लाके, तो पूरा बॉक्स को हमने फॉर्म से भर दिया है। पूरा बॉक्स जो है फॉर्म से चारों तरफ से भर दिया है हमने, पेस्ट कर दिया है पूरा। अब थोड़ा सा रह गया है, उसको मैं ये लगाऊंगा यहाँ साइडों में। तो बॉक्स के अंदर पूरा फॉर्म हमने चिपका दिया है, अच्छे से चिपका दिया है फॉर्म, आपको दिखाई दे रहा होगा पूरा बॉक्स फॉर्म से भरा हुआ है अंदर से। और अब इसमें डालेगी वैतरी कॉटन, और लाखी भी डालेगी कॉटन। तो ये वैतरी ने कॉटन अपने टैडी में से पूरा निकाल के मुझे दे दिया है, थैंक यू वैतरी। और लाखी ने मुझे फेविकोल दी है, थैंक यू लाखी। और हम डालेंगे इसके अंदर, पेस्ट करेंगे। तो चलो बच्चों डाल दो आराम से। बस अब ये पूरा जो है भर गया है, और बाकी कुछ मेरे पास नीचे पड़ा है वो कॉटन ऐसा है, उसके अंदर ना कांच मिक्स होता है, तो वो वाला भी इसके अंदर भर देंगे हम, तो और अच्छा साउंड आएगा। तो दोस्तों मेरे पास एक ऐसी कॉटन पड़ी है जिसके अंदर ना हल्का सा ना कांच मिक्स होता है, तो जो ये कांच मिक्स होता है ना, ना तो ये कॉटन जलती है और ना ही इस कॉटन में, मतलब बिल्कुल ऐसी होती है कि साउंड प्रूफ होती है एकदम ये। तो इसको भी हम थोड़ा सा इसके अंदर डालेंगे बॉक्स के अंदर, तो अच्छे से बॉक्स के अंदर इसको हम डाल देंगे। और इस कॉटन को कभी भी नंगे हाथों से आपने नहीं यूज़ करना है, इसको भी आपने ग्लव्स पहनकर यूज़ करना है, क्योंकि इस कॉटन के अंदर कांच या कुछ होता है तो वो ना आपको पूरी बॉडी में ना इचिंग हो जाती है इसको हाथ लगाने से।
तो ये पूरा जो है इसके अंदर भर देंगे हम। बहुत अच्छी क्वालिटी की कॉटन है ये। ये मेरे पास एक पुराने स्पीकर पड़े थे जो ठकराल कंपनी के थे, उसके अंदर से मैंने निकाली है ये, और मैं इसको पूरे इसके अंदर भर दूंगा और गाड़ी का जो साउंड है बहुत ही अच्छा हो जाएगा इससे, जो बेस आएगी बहुत अच्छी हो जाएगी इससे। तो ये कॉटन आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये पुराने जो बॉक्स आते थे स्पीकर वगैरह उनके अंदर ही मिलती है सिर्फ। तो इसको पूरा फील कर देंगे हम इसके अंदर, पूरा एंड तक जहाँ जहाँ है जगह पूरा भर देंगे इसको। कैसे फील करा है मैंने इसको, पूरा भर दिया इसके अंदर। और ये 12 इंच का जो बुफर है, और इसके अंदर हमने एक पेटी लगाई है जो पूरी बंद, बिल्कुल बंद वाली पेटी है जिसमें कोई भी स्पेस नहीं है एयर जाने के लिए, तो उसको हमने पूरा पैक कर दिया है। ये देख रहे हो आप कॉटन, क्या कॉटन है, अलग ही टाइप की कॉटन, बहुत सॉफ्ट है बहुत ज्यादा। पूरी भर दे, जबरदस्त साउंड आने वाला दोस्तों इस पेटी का। तो दोस्तों अब इस पेटी के ऊपर इस एम्प को फिक्स कर देता हूँ मैं। इसमें जगह दी हुई है यहाँ पर, ये देखो, तो यहाँ और यहाँ पर चार पेच लगाकर ये एम्प जो है पेटी पे फिक्स हो जाएगा, तो जगह भी कम घेरेगा और आराम से निकाल सकते हैं, अंदर कर सकते हैं इसको हम, और दिखाई भी नहीं देगा ये। तो चलो इसको लगाते हैं। तो अब हमने इस एम्प को पेटी के पीछे लगा दिया। तो दोस्तों अब इसको लगाते हैं इसके अंदर, क्योंकि बस सारा काम हो गया, अब यही लगाना रह गया। इसको लगाने के बाद इसको लगाएंगे कार में, फिर आपको साउंड सुनाता हूँ इसका। इसके बैक साइड दिखाता हूँ मैं आपको। बैक साइड जो है मैंने एम्प जो है इसके बैक साइड लगा दिया है, क्योंकि एम्प ना सीट के नीचे कोई लगा देता है या इसके साथ में रख देते हैं तो जगह घेरता है बेकार की, तो मैंने इसके पीछे इसको फिट कर। कार की सब ऊपर की पेटी में ये डोर हैंडल भी लगा सकते हो, ये मैंने यहाँ लगा दिए दोनों साइड पे, एक इस साइड लगा दिया है और एक जो है इस साइड लगा दिया है। तो इससे हमें जो क्या है कार की डिग्गी में से इसे निकालने में बहुत ईजी हो जाएगा, आराम से हम इसको निकाल सकते। हमारा जो सब ऊपर था और पेटी वो कार की डिग्गी में रख दी है मैंने, और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको फिट कर दिया है। ये इसका जो वायर था वो वायर मैंने इस पर लगा दिया है, और जो एम्प होता है वो इसके पीछे लगा हुआ है। और देखो स्पेस भी बच गया है, कितना स्पेस बच गया, दोनों साइड स्पेस बच गया है, जगह मिल गई है हमको काफ़ी। पहले इस पर लगा हुआ था बेस ट्यूब गोल वाला कैप्सूल वाला, वो काफ़ी जगह घेरता था, और मैंने इसको पेटी के अंदर लगा दिया है, और ये बहुत अच्छी आवाज़ दे रहा है। अब मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाता हूँ, ये इसका साउंड है। तो वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, और वीडियो के लास्ट में मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।